गुड इवनिंग एंड वॉम वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आप सभी लोगों के लिए एस एस पी एल सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वेलॉसरी जेनेटिक्स की तरफ से एंड आज के जो स्पेशल स्पीकर हैं डॉक्टर सुनीता प्रजापति उनकी तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है उनके भी बहुत सारे पेशेंट्स कस्टमर्स अभिमानी इस वेबिनार में रहेंगे तो आप सभी लोगों के लिए आपने टाइम पे इस वेबिनार में लॉगिन किया इसके लिए आपके लिए धन्यवाद मेरा नाम है स्टैन सिरावो मैं एस uh, का बिजनेस कोच हूं और आज जैसे आपको पता है कि सुपर सैटरडे है सुपर सैटरडे में धमाका होता है एक कोई एक ऐसा वेबिनार होता है यहां पर या तो आप अपनी दिल की आवाज़ सुनो ये प्रोग्राम को सुनते हैं या तो आप एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ मिलते हैं जो अपने फील्ड में मशहूर हो और उन्होंने कुछ जो अचीवमेंट किया है उसको हम लोग उनसे हम लोग रूबरू होते हैं उनसे हम लोग जानते हैं सीखते हैं और उससे हमारे बिजनेस के लिए हमारे जीवन के लिए क्या फायदा हो सकता है किस तरीके से हम लोग उनसे नॉलेज ले सकते हैं ये हम लोग करते हैं और इस वेबिनार को हम लोग अभी शुरुआत करने ही वाले हैं तो अगर आपके टीम में से आपके परिवार से या आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं जिनको अपने स्वास्थ्य के बारे में कदर है या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो एक बहुत यूजफुल वेबिनार ये रहेगा तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या मोबाइल फोन में उनको कम्युनिकेट करके ये बताएं कि वेबिनार स्टार्ट हो गई है तो आप तुरंत इसको ज्वाइन करें ताकि नेक्स्ट सिक्सटी मिनट्स जो है आपके जिंदगी के और ये वीकेंड के बहुत अनमोल समय रहेगा जहां हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखेंगे और जानेंगे फ्रॉम एन एक्सपर्ट सो so, ये वेबिनार नौ बजे तक चलेगी नाइन नाइन फिफ्टीन तक चलेगी मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस और आप सभी लोगों को म्यूट में रखा गया है तो इस दौरान अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उसको आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा क्योंकि जो लय में हम लोग बात करेंगे तो उसमें तो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ सकता है अपना मोबाइल फोन को या अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को चैट बॉक्स में डिस्कस ना कीजिएगा एंड यू कैन नीड नॉट रिवील योर आइडेंटिटी आप आपके मतलब मोबाइल फोन के जरिए वगैरह आप अपना नाम जरूर लिखिएगा जिससे कि आपने को पता चले कि इस स्क्रीन के पीछे कौन व्यक्ति है आ, वी डोंट डोंट वांट वांट टू आ, वां टू 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 लिसन कि वी वी स्पीक मोबाइल फोन्स जो आईफोन्स हैं ओप्पोज हैं ऐसे ना रहे तो अच्छा है और आज का जो वेबिनार है इसमें डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे मिलेगा जिससे कि आप जो भी यू नो निजी जिंदगी में आपके पारिवारिक जिंदगी में Uh, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और जो घर के जो रेमेडीज है होम रेमेडीज है आयुर्वेद के uh, नेचुरल रेमेडीज है इसके जरिए हम लोग डेफिनेटली पता करेंगे कि कैसे हम लोग हमारी सेहत को बहुत अच्छी कर सकते हैं सो आर यू अरय रेडी क्या आप तैयार हैं अगर एस हैं आप ना केवल यस लिखें आपके शहर का नाम लिखें आपके स्टेट का नाम लिखें कहाँ से आप हैं ये लिखें ताकि हमको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि इस सुपर सैटरडे वेबिनार के लिए एस का सुपर सैटरडे वेबिनार के लिए ना केवल कोई एक दो सिटी से लेकिन पूरे भारत वर्ष से लोग यहाँ पे लॉग इन किए हुए हैं हो सकता है कि यू नो डॉक्टर सुमिता प्रजापति इज एन इंटरनेशनल आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं हो सकता है कि आज इंडिया के बाहर से भी लोग हैं तो अगर ऐसे भी हैं तो आप अपना देश का जिस देश से आप इस वेबिनार में लॉग इन किए हैं तो डेफिनेटली उसको भी आप टाइप कर सकते हैं एंड देन यू नो दिल थाम के बैठिए वी आर टू टू स्पीक एक्सपर्ट टूडे तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लोग हैं तो इफ देर इज एनी बडीज ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया डेफिनेटली आप बता सकते हैं एंड यू नो डिफरेंट डिफरेंट टू कंट्रीज राइट नाउ लेकिन यस बहुत बहुत राज्यों से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश कोलकाता मध्य प्रदेश यू नो वेस्ट बंगाल कोर्स तेलंगाना कर्नाटका दिल्ली कोर्स उत्तर प्रदेश बिहार वी हैव

इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड सो एक बार हम लोग महीने में वी है इंडिया में सो वी हैड हिम उनकी जर्नी वो शेयर कर रहे थे एंड टूडे वी हैव अ वेरी वेरी इमिनेंट पर्सनैलिटी विदर्स आईड लाइक टू you know, introduce that person in a very brief way.

पूरे दुनिया में फैल रही है और इसमें भारत बहुत एक इनिशिएटिव ले रहा है इंडिया इज टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव टू पॉपुलराइज दिस मेडिसिनल साइंस तो इसको पॉपुलराइज करने में वन पर्सन बिन वेरी इंस्ट्रूमेंटल जिसको बहुत सारी यू uh, नो you know, मिले हैं बहुत सारी अः uh, सेमिनार्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं लोगों को ट्रेनिंग देते हैं लोगों को आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं दैट इज डॉक्टर सुमिता प्रजापति एंड टुडे शी इज विद अस i'd like to request her to unmute herself and then put her on the video uh, video on so that i can introduce her so dr sumita prajapati on behalf of uh, shpl aapka is webinar mein hardik swagat hai i'm sure uh, uh, you know uh, we will have an interactive session hum log uh, aaj koi पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके हम लोग प्रेजेंटेशन uh, 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 नहीं करेंगे ट्रेनिंग नहीं करेंगे क्योंकि Of course, basic knowledge आपको तो definitely है ही uh, uh, आयुर्वेद के बारे में लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि uh, आयुर्वेद की अहमियत कितनी कितनी, uh, जरूरी है क्योंकि एस है क्योंकि एल में जो हेल्थ एंड वेलनेस का जो हमारा प्रोडक्ट का एक सेक्शन uh, है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर सुमित इफ यू आर एबल टू अनम्यूट या कर रही हूँ okay.

सो so, uh, कहाँ कहाँ घूमती हैं डॉक्टर सुनीता अमेरिका कनाडा, लंदन, अफ्रीका स्विट्जरलैंड जर्मनी एंडलेस है ओके गुड सो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बिफोर वी रियली गेट इनटू अ एक कॉन्वर्जेशन एक करने के पहले आई जस्ट वांट टू एक मेरे पास डॉक्टर सुमिता की एक पीपीटी है पुरानी तो उसमें मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि डॉक्टर सुमिता प्रजापति इज नॉट ओनली एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बट हमारे अपने बॉलीवुड में भी काफी फेमस है यू कैन सी अ लॉट ऑफ बॉलीवुड यू यू नो कैन आइडेंटिफाई दिस इज ऑफकोर्स लेट सरोज खान सलमान खान अक्षय खन्ना गोविंद नामदेव सो यू कैन सी अ लॉर्ड ऑफ अदर बॉलीवुड एक्टर्स पहले की जो एक्ट्रेस मंदाकिनी सोनू निगम हियर सिंगर है मोहम्मद अजीज यू नो शेखर सुमन एंड ऑफ कोर्स द अदर एक्टर्स देयर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज शी इज डूइंग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जो ना केवल बॉलीवुड में है बट पूरे इंडिया इंडिया के बाहर के देशों में है सो यू कैन सी योगा के बारे में आयुर्वेद के बारे में जो इंडिया की जो साइंस है उसको जर्मनी में वो पॉपुलर कर लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे के साथ शी इज विद द मेयर ऑफ बोल्टन इन यूके चीज देर डिलीवरिंग बहुत सारे लोगों को योगा के बारे में आयुर्वेद के जो fundamentals है, जो हम लोग भारतीय होने के नाते भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये होम रेमेडीज हैं या ये सब है या पता नहीं मतलब हमको पता है तो इस तरीके से साइंटिफिक जो इसकी नॉलेज है कभी कभी नहीं लेते हैं तो इन लोगों के आ, साथ वो शेयर करते हैं टीचिंग आयुर्वेदा बेजिक्स टू वेस्टर्न डॉक्टर्स जो इंग्लिश you know, दवा के जो डॉक्टर्स है वो भी यू नो लन में स्वामीनारायण टेम्पल एट है लंडन uh, uh, you know, London के हिंदू फोरम में वहां पर भी वो सेमिनार्स देते हैं अभी मैंने जब भी उनसे बात किया तो शी वॉज इन लेक्स्टर यूके तो वहां पर भी uh, उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं यू कैन सीट ऑफ यू नो सेमार्टिंग इन पॉपुलराइजिंग कि इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि इसके फायदे क्या हैं सो मेनी अदर वेबिनार्स लंडन इन अदर नॉट जस्ट इन हिंदू प्लेसेस बट आल्सो इन मुस्लिम डायट एंड लाइफ स्टाइल कॉन्ट्री ऐसी सोच भी है कि भाई आयुर्वेदी इट्स नॉट इट्स एक्चुअली फॉर द्लोबल कम्युनिटी हर एक व्यक्ति irrespective of your dharm religion everything वर्ल्ड बट इन इंडिया तो ऐसी लिस्ट जाती है यू नो इन इन टेम्पल इन यू नो सो मेनी फोरम्स बहुत सारे अवार्ड मिले हैं शी इज ऑल्सो ट्रेनर शी इज एन ऑथर कई सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं शी इज ऑल्सो नाडी Uh, you know, uh, जो पल्स रीडिंग है जो नाडी वैद्या है तो वो एक्सपर्ट हैलिटी सो बहुत सारे सेमिनार्स में उन्होंने कंडक्ट किए हैं प्रोग्रामी क्लब और यू नो जस्ट इमेजिन अटलांटा के यू एस ए में दिस वॉज ऑन द रेडियो शो टॉकिंग अबाउट दी होम रेमिडीज एंड आयुर्वेदा ऑफ uh, कोर्स ये प्रोग्राम में आपको इंट्रोड्यूस करने का भी मुझे मौका मिला था इन चेन्नई वे बैक इन वर्ल्ड वेलनेस ओपन यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर जो मुंबई से पढ़ाई करके आयुर्वेद अमेरिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट आफ्रिकन कॉन्टिनेंट यू नो अवर मिडल ईस्ट दुबई लंडन यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी लेबनॉन सिंगापुर स्विट्जरलैंड ऐसे बहुत सारे कंपनियों में यूनो यू कैन सी दस इन स्विटरलैंड इन लेबनॉन इन तंजानिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज द लिस्ट गोज ऑन फ्रेंड्स आई डों इससे ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है बिकॉज उनका काम खुद बोलता है सो डॉक्टर सुनीता कई बार जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप का एक ऐसा सपना होता है कि मेरा बच्चा एक पढ़ के एक बड़ा मशहूर डॉक्टर होना चाहिए बट देन उनका प्रेफरेंस होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर डॉक्टर एक इंग्लिश तो इस बैकग्राउंड में आपने आयुर्वेद को क्यों चुना व्हाट्स योर फंडामेंटल बिलीफ क्या है आपकी आयुर्वेद की और व्हाट्स द बैकग्राउंड आउट ऑफ विच की आपने आयुर्वेद को चुना एज योर प्रोफेशन जब मैं छोटी थी ना तब मेरा एक विजन था जैसे मेरे टीचर ने सब बच्चों को सवाल पूछा था स्कूल में खड़ा करके कि आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे तो सब लोग बोल रहे थे मैं बड़ा होके अमेरिका जाऊंगा कोई बोलेगा मैं यूरोप में जाऊंगा और वहां जाके पढ़ाई करूंगा वहां पे जॉब करूंगा या जॉब करूंगी और वहां सेटल हो जाऊंगी ऐसे सबके जवाब थे तो जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि वहां के जो लोग हैं जो अमेरिकन या यूरोपियन लोग हैं वो मेरे देश में आए और मैं कुछ उनका करूँ ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे पास आए मैं वहां पे उसकी बजाय वो मेरे पास आए तो वो एक छोटा सा मेरे दिमाग में एक विजन था जब मैं एकदम छोटी थी स्कूल में थी तभी उसके बाद में जैसे कि मेरी स्टोरी आपको पता ही है जैसे वैकेशन में हम नाना जी के घर पे जाते हैं मुझे तो जब मुझे, मैं जाती थी डॉक्टर सुमिता मुझे पता रहेगी लेकिन यहाँ पे जितने वेबिनार में लोग हैं उनके लिए आप डेफिनेटली एक बार बताइएगा बहुत मजेदार कहानी कहानी है आपकी तो जब मैं मेरे मामा के घर पे जाती थी गांव में बचपन में तो मैं देखती थी मेरे नाना जी जो है वो एक गद्दी पे ऐसे वाइट गद्दी पे बैठे रहते थे और उनके सामने ऐसे लाइन लगी हुई होती थी लोगों की और वो नाड़ी देखकर उनको बोलते थे कुछ कुछ अलग अलग चीजें जैसे किसी को बोलते थे अभी तुम्हारा वात बढ़ गया है तुम्हारे शरीर में वायु बहुत ज्यादा है तो तुम रॉ वेजिटेबल रॉ सलाद बंद करो वाल चना वटाना बंद करो सफेद तिल खाओ गर्म दूध पियो और कुक्ड वेजिटेबल्स वगैरह खाओ तिल के तेल का मालिश करो ऐसा सब बोलते थे और नाड़ी देख के उनको बोलते थे आपको ये हो रहा है गैस हो रहा है एसिडिटी हो रहा है और वो जो जो पूछते थे लोग हाँ 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 करके अपना सर हिलाते थे तो मुझे एकदम आश्चर्य लगता था कि ये कुछ अलग ही चीज हो रही है कि जहाँ पे सिर्फ हाथ देख वो लोगों को बता रहे तो तब से मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे लोग मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आए और मैं उनको सही एडवाइस दे पाऊ तो तब से मेरे माइंड में ये बैठा हुआ था कि मैं इस प्रकार का कुछ करूंगी और जब मुझे पता चला कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी यह मेरा एक विजन है तब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे आई कूडन इन डेंटलो एन एनी अदरपैथी वॉट एवर आई लाइक बट मैंने आयुर्वेद चुना और मेरा जो कोर्स था लकीली वो टाइम पे इंटीग्रेटेड कोर्स था तो जिसमें आई कैन स्टडी एलोपैथ एज वेल एज आयुर्वेदा तो मैंने कंबाइंड कोर्स किया एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों का साढ़े आठ साल तक और मैंने एमडी मेडिसिन में डायबिटीज के ऊपर मैंने मेनली मेरा थीसिस लिखा तो इस प्रकार से धीरे धीरे मैं आयुर्वेद में आई एंड आई एम रियली प्राउड कि आज मैंने वो एक एज अ करियर मेरा चुना जो कि मेरे एक लाइफ भी है लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो शी ईट्स आयुर्वेदा शी ड्रिंक्स आयुर्वेदा शी स्लीप्स आयुर्वेदा यानी कम्प्लीटली मेरी एक लाइफ हो गई आयुर्वेदा तो ये।, ये जो मेरा विजन था वो आज मेरा कम ट्रू हुआ और जो लोग

प्राउड ग्लोबल इंडियन क्योंकि आज ना केवल हम लोग देखते हैं कि आ, आ, जो, आ, योगा है तो योगा जैसे भी एक बोल सकते हैं आज इसको पॉपुलराइज किया है एंड देन इवन यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून एज एन इंटरनेशनल योगा डे सो आई एम श्योर इसमें आप जैसे भारतीय uh, नागरिकों का रेस्पॉन्सिबल नागरिकों का एंड एक विजनरी लोगों का डेफिनेटली योगदान है एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जब आयुर्वेद की बात करते हैं आज जैसे अभी हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट मैचेस वनडे मैचेस में इंटरेस्ट नहीं रहा टी का जमाना चल रहा है तो मेडिसिन में भी लोगों को एक ऐसी सोच है कि भाई जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो फटाफट चाहिए मतलब पेन हो गया तो इंजेक्शन ले लिया तो आयुर्वेद के बारे में एक ऐसा सोच है कि भाई इसमें थोड़ा स्लो आ जाते हैं इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आते हैं आपको ऐसा क्रिटिसिज्म सुनने के लिए मिलता है अगर मिलता है तो आप किसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं तो उसके लिए फिर से मैं मेरी स्टोरी में जाऊंगी जब मैंने एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों में स्टडी किया कम्बाइन एमडी मेडिसिन किया जब मैंने प्रैक्टिस मेरा शुरू किया तो आई कुड कुो प्रैक्टिस द वेस्टर्न मेडिसिन तो मैंने जब शुरुआत में मेरा प्रैक्टिस शुरू किया वेस्टर्न मेडिसिन में तो लोग मेरे पास आते थे कोई आता था डायबिटीज लेकर कोई आर्थराइटिस लेकर कोई ब्लड प्रेशर लेकर और मैं उनको मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल कोई पेशेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे पे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं सोचती थी, थी कि मे भी उसको गैस हुआ है या मे बी एसिडिटी या मे बी फूड फूड का रिएक्शन आ गया है या मे बी उसकी वाइफ के साथ उसका कल कुछ फाइट हो गया होगा तो इस प्रकार से मे बी थियरी मेरी चलती थी और मैं उनको एक एंटासिड देती थी एक एंजाइम्स देती थी एक पेन किलर देती थी और कुछ ना कुछ एकाध दवाई उनको लागू पड़ जाती थी उस समय तो उनको ठीक हो जाता था क्योंकि आजकल लोगों को क्विक फिक्स चाहिए कि डॉक्टर मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है मुझे बुखार आ रहा है मेरा बुखार जाना चाहिए या मुझे दर्द हो रहा है मेरा दर्द ठीक होना चाहिए तो वो क्विक फिक्स जैसी वो दवाइयां काम करती थी धीरे धीरे क्या हुआ वही मरीज बार 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 उसी प्रॉब्लम के साथ मेरे पास वापस आते थे जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है उनको मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई दी थोड़े दिन तक कंट्रोल में रहता था फिर वापस उनको वही ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती थी तो मुझे और थोड़ा हायर डोज या उसकी गोली का डोज बढ़ाना पड़ता था तो लास्ट में मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ यू नो जब मैंने पढ़ाई की तो मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर माधव साने जो बहुत बड़े वैद्य और पल्स रीडर थे और लकीली वो मेरे गुरु थे तो उनसे मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी थी प्लस मेरे नाना जी भी वैद्य थे जैसे मैंने आपको बताया उनसे भी मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना वही साइंस में ट्राई करूं जो अपना खुद का इंडिया का साइंस है पांच हजार साल पुराना साइंस है और मैं इतनी नसीबदार हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरु भी मिले हैं तो जब मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया धीरे धीरे उन्ही मरीजों को मैंने नाड़ी देखकर धीरे धीरे उनको होम रेमेडीज डायट चेंज करने के लिए और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स देना शुरू किया तो आपको बिलीव नहीं होगा धीरे धीरे वो लोग ठीक होने लगे मतलब जो मुझे अंदर से ऐसा चुपता था कि मैं किसी को ठीक नहीं कर पा रही हूँ सिर्फ सिम्टोमेटिक उनको इलाज कर पा रही हूँ वो मुझे अंदर से खुशी महसूस होने लगी क्योंकि जो मरीज आते थे डायबिटीज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे धीरे 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 उनका इंसुलिन का डोज कम होने लगा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे धीरे धीरे उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम होने लगी तो एक अंदर से बहुत खुशी मुझे महसूस होने लगी

मॉडर्न मेडिसिन को भी सीखें आयुर्वेद को भी जानें, लेकिन व्हाट इज रियली कम्स आउट एट द एंड इज़ दैट कि टेम्पररी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके आप एक बीमारी uh, को फंडामेंटल लेवल पे ट्रीट नहीं कर सकते यू कैन ओनली सप्रेस द सिम्टम्स एंड यही काम यहाँ पे जितने भी लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं सो दैट इज यू नो इससे मुझे ये uh, मुझे सवाल पूछने के लिए मैं uh, uh, मतलब uh, I'm, I'm कि आयुर्वेद में आपकी शरीर की कंपोजिशन जो है जो प्रकृति जो है दैट मैटर्स उसके हिसाब से आप डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये आपको खाना चाहिए ये खाना नहीं चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपको नाड़ी का चेक करके या अलग अलग तरीके से डायग्नोसिस करके आपको पता चलता है मॉडर्न साइंस के लिए अगर बात करें यू नो विद लिटिल बैकग्राउंड दैट आई हैव इन जेनेटिक्स अगर हम लोग बात करें इसको अभी मॉडर्न साइंस में न्यूट्रीजोनोमिक्स कहते हैं कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में आपको कौन सा खाना सही है या नहीं है या कौन सा लाइफ सही है ये ये हम लोग बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में भी यही प्रिंसिपल था यही फिलोसफी था अभी इसका ये मॉडर्न साइंटिफिक अवतार है सो वॉट इज द कनेक्शन दैट यू सी बिटवीन जो आयुर्जेनोमिक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं एंड आयुर्वेद के हिसाब से जो आप यू you नो know, परेज पेशेंट्स uh, के लिए बताते हैं हाउ साइंटिफिक को रिलेशन है इसके बीच में डेफिनेटली आयुर्वेद जो है वो प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड होता है जैसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलू कु गर्भ संज्ञा यानी जब शुक्र और शोणित यानी स्पम और ओवम ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं और वो गर्भाशय की लाइनिंग के अंदर जब जाकर चिपक जाते हैं उसी समय जिसका निर्माण होता है उसको गर्भ कहते हैं और इसी गर्भ के बारे में आप जेनेटिक्स में जो भी है वो आप वर्णन करते हो वैसे ही आयुर्वेद में कहा गया है जैसे ही ये गर्भ की निर्मित होती है उसी समय माँ और बाप यानी माता और पिता जो भी प्रकार का आहार विहार करते हैं यानी जो क्लाइमेट में रहते हैं जैसा खाना खाते हैं जैसी उनकी सोच होती है वो सब उस गर्भ के ऊपर जाकर उसका असर करती है फॉर एग्जाम्पल अगर वो माँ बाप बहुत ही ठंडा खाना खाते हैं या ए में कंटिन्यूस रहते हैं या रॉ वेजिटेबल रॉ सलाड ज्यादा खाते हैं बर्फ आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा यूज करते हैं या जिनका ज्यादा मतलब वायु प्रकृति है बहुत वेवरिंग माइंड है या बहुत मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं एट ए टाइम वो टाइप के अगर माँ बाप है और उनको अगर उस समय पे प्रेगनेंसी रहती है तो वो जो बच्चा है वो आगे जाके फ्यूचर में उसकी वायु प्रकृति यानी वात प्रकृति का होगा आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो हाइपर एक्टिव पैदा हो रहे हैं yes. या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं तो आयुर्वेद में उसके बारे में क्लियर कट पांच साल पहले ही बताया गया है कि अगर आपकी मतलब माँ बाप की दोनों की वायु वर्धन करने वाली यानी वायु को बढ़ाने वाली आहार विहार हो और उस समय पे अगर आप प्रेगनेंसी रखोगे तो वो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी ऑटिज्म या लैक ऑफ मेमोरी लो फोकस लो कॉन्सेंट्रेशन ये सब प्रॉब्लम्स आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है तो आयुर्वेद जो है वो भी आपकी तरह प्रकृति के ऊपर ही काम करता है यानी आयुर्वेद कहता है अगर आपकी वायु की प्रकृति है तो आपको वॉर्म लिक्विड एंड सुपी फूड खाना है अगर आपकी पित्त की यानी कि गर्म प्रकृति है तो आपको कूलिंग या हीलिंग फूड ज्यादा खाना है अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो आपको ड्राई फूड्स ज्यादा खाने ऑयली या डीप फ्राइड या हैवी टू डाइजेस्ट फूड्स नहीं खाने हैं तो सेम वे जैसे आप आ, आ, लोगों को डाइट बताते हैं कि आपको भाई दूध की एलर्जी है या वीट की एलर्जी है सेम वे आयुर्वेद में भी प्रकृति देखकर हम उनका डाइट और लाइफ बताते हैं सो so, uh... जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जो चैट बॉक्स अभी हम लोगों ने प्राइवेट में रखा है सो प्लीज कंटिन्यू चैटिंग नो प्रॉब्लम लेकिन ऐसे सवाल पूछिए जो टॉपिक के ऊपर हो हमारी एक टेंडेंसी ऐसी होती है कि सामने डॉक्टर दिखते हैं तो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पूछने लगते हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन का वेबिनार नहीं है तो आप पहले हम लोग हमारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं तो उसके बाद में आपको आखिर में एक मौका दिया जाएगा Uh, तभी आप अपने सवाल पूछते हैं अगर आपने पास समय है तो डेफिनेटली हम लोग इंडिविजुअली uh, भी आपके क्वेश्चंस को ले लेंगे डॉक्टर सुमिता प्रजापति की एक खासियत है मैं पर्सनली uh, उसका एक विटनेस भी हूँ एंड uh, वो विटनेस ये हूँ कि व्हेन ऑफ कोर्स आई गॉट मैरिड एंड देन मी एंड माय वाइफ हम लोगों ने दोनों ने डॉक्टर सुमिता प्रजापति को विजिट किया था वे बैक इन टू एंड माई फर्स्ट डॉटर वेन शी वॉज बॉर्न जब उनकी बॉर्न बेबी की वेट थी फोर तो जो डॉक्टर्स वहां पे घबरा रहे थे कि भाई इतना मतलब वेट जो बच्चा है वेरी वेरी हेल्दी हेल्दी शी शी वाज एंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी तो तब से हम लोग डॉक्टर सुमिता प्रजापति के टच में हैं एंड शी इज बीन ऑलवेज देयर और हमारा जो वेलनेस का मिशन है तो उसमें वो काफी ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं तो हम लोग काफी साथ में हम लोगों ने काम किया है सो so, डॉक्टर सुमिता प्रजापति बहुत सारे क्लाइंट्स यू यू विल बी सरप्राइज इफ आई टेल द नंबर शी मोर देन थ्री लैक्स क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड तीन लाख से भी ज्यादा उनके पेशेंट्स हैं और उसमें बहुत सारे केसेस हैं इनफर्टिलिटी के जिनकी जिनको संतान की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे और uh, वो हम, उन, उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी मैं हूँ ऐसे जब बच्चे पैदा पैदा होते होते हैं हैं तो हैं तो तो वो वो ब्रॉडकास्ट भी करते इतने बच्चे एंड नाड़ी परीक्षा से हमें पता चलता है कि इसका ओव्यूलेशन बराबर हो रहा है क्या नहीं या स्पर्म्स या तकलीफ है कि नहीं या हॉर्मोन्स बैलेंस में है कि नहीं और मे भी नाड़ी परीक्षण नहीं भी करे तो भी सिम्टोमेटिकली वायु पित्त और कफ के बारे में हमें पता चल जाता है तो एग्जैक्टली exactly अगर हम रूट कॉज जान ले कि भाई इनका इन्फर्टिलिटी का रूट कॉज क्या है तो वी कैन इजीली यू नो गिव द सप्लीमेंट्स एंड डाइट एंड गेट द रिजल्ट्स लाइक आपको बिलीव नहीं होगा ड्यूरिंग कोविड मैं अमेरिका में थी और मोस्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन जिनको मैंने देखा भी नहीं है कभी भी लाइफ में ऐसे लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन करके इतने सारे बच्चे हुए मतलब एवरी वीक एक या दो बच्चे पैदा हो रहे थे मेरी दवा लेने के बाद में जस्ट विद द ऑनलाइन कंसल्टेशन उनमें तो पल्स रीडिंग भी मैंने नहीं किया हुआ था तो आज आज मैं आपका सबसे बड़ा सीक्रेट आपको देना चाहूंगी आपको जानना है सबको <laughs> तो मेरी प्रैक्टिस में सबसे मेजर मैंने देखा मेरा जो सीक्रेट है वो आई वर्क ऑन पिता या हीट यानी जब मेरे पास सपोज फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड कपल्स आते हैं उसमें से नाइन्टी कपल्स का जब मैं पल्स देखती हूँ या उनके सिम्टम पूछती हूँ जब मैं पित्त कम करती हूँ तो नेचुरली दे गेट प्रेगनेंट क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि स्पर्म और ओवम जो है उनको सरवाइव होने के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए अगर आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा देर तक अंदर टिक नहीं सकता है जैसे आपने सुना होगा जो ओवम होता है उसका लाइफ Span, दो दिन से ज्यादा नहीं होता है स्त्री बीज का और जो पुरुष बीज होता है जो स्पर्म होता है वो चार से पांच दिन तक मैक्सिमम यूट्रस में जिंदा रहता है पर अगर यूट्रस के अंदर गर्मी ज्यादा है या हस्बैंड के अंदर हीट ज्यादा है तो वो उतने घंटों तक अंदर रह नहीं पाता है एक या दो घंटे तक वो मर जाते हैं तो एवरी मंथ जो परसेंटेज होता है प्रेग्नेंट होने का वो बहुत ही कम होते जाता है और जैसे आपने देखा होगा आजकल मतलब मुझे बिलीव नहीं होता है मैं इतने पेशेंट देखती हूँ जैसे उनको पूछती हूँ आपको कोई बैड हैबिट है क्या तो कोई ना कोई आंसर आता है अल्कोहल स्मोकिंग या आजकल नया ट्रेंड निकला है हुक्का मतलब नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ भी हुक्का पीते हैं तो ये जो हुक्का पीने का या स्मोकिंग करने का या जो अल्कोहल हम लोग लेते हैं या खाने में ज्यादा तिखा तला हुआ का ट्रेंड मतलब पहले के जमाने में जब इंडिया में हम रेस्टोरेंट में कभी खाना खाते थे तो इतना अच्छा लगता था पर आज अगर आप जाओ तो इतना स्पाइसी खाना होता है कि मैं तो अभी खा ही नहीं पाती हूँ आई डोंट गो टू द रेस्टोरेंट क्योंकि इतना तीखा लोगों को खाने की आदत हो गई है कि बॉडी में पित्त बहुत ही बढ़ जाता है और जब पित्त बढ़ता है तो स्पर्म और ओवम का क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाता है ये मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है जो मेरा खुद का अनुभव है और जब मैं पित्त कम करती हूँ तो दे गेट प्रेग्नेंट तो हम, हम मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स देखे हैं जो बच्चों के आपके मतलब सोशल मीडिया में भी ऐसे आप पोस्ट जब भी करते हैं वो हम लोग देखते हैं एंड एक गुड न्यूज सब लोगों के लिए ये भी है कि सबके दुनिया भर के जो हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं जिनको यू you नो know, बच्चे पैदा करने में जो जो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से जो मदद करते हैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति भी इस साल शी इज बिकम अ प्राउड एंड अ वेरी हैप्पी मदर मदर

वैसे मैं सबको अपने फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करती हूँ फीस वो भी fees? मेरे लिए ही है जैसे दूसरे लोग है तो तो सब्जेक्ट <laughs> तो yes, yes, yes. okay, so, uh, आज, आज जो हम लोगों ने वेबिनार के लिए एक टॉपिक सिलेक्ट किया था कि इंडिया में आयुर्वेद के बारे में काफी अभी अवेयरनेस बढ़ गया है जो पहले लोग सोचते थे कि आयुर्वेद की मतलब स्लो है यू नो एलोपैथिक मेडिसिन से ही फटाफट यू नो ट्रीटमेंट मिले मिल रहा है ये सभी जो कोविड के टाइम पे खास करके जो लॉकडाउन के टाइम पे ये एक तरीके की जो भ्रम थी या एक तरीके के जो इल्यूजन्स थे वो थोड़े काफी खत्म हो गए एंड पीपुल फाउंड आउट कि अगर आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग होनी है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको नेचुरल रेमेडीज, होम रेमेडीज की तरफ जाना पड़ेगा सो यू 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 पॉपुलराइज्ड आयुर्वेद अक्रॉस द वर्ल्ड So, आपने यूएसए में आई मीन आर इन बॉस्टन यूएसए लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे Boston में और मैं ये भी बता टू गो हमारे यूएसए जो so, yes. uh, uh, क्यों वहां पे आपको लगता है कि आयुर्वेद के लिए ज्यादा पॉपुलरिटी uh, बढ़ेगी या उसकी वहां पे जरूरत है या जानकारी वहाँ पे कम है तो आपको स्कोप ज्यादा है वहां पर क्योंकि मेरे हस्बैंड बोस्टन से है <laughs> तो आफ्टर मैरिज आई हैचूड इज रियली सो गुड कि वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं अभी भी हम लोग साथ में ही इधर आए हैं उनको चार महीने की पेटर्नल लीव मिली है तो वेरेवर आई गो आई गो विथ माई हस्बेंड और अभी तो मेरे बेबी के साथ मेरे बेबी बॉय के साथ भी हम जाते हैं साथ में ट्रैवल करते हैं ओके सो अमेरिका में जै, जैसे आप जब भी ट्रैवल करते हैं इट्स अ अ कंट्री विद लॉट ऑफ फास्ट फूड ड्रिवन कल्चर वहां पे आ, आपने लास्ट टाइम मुझे बता दिया था कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बर्गर दोपहर लंच के लिए बर्गर और शाम को भी जाते हैं तो घर पे बर्गर ही लेके जाते हैं सो नो इट्स अ फास्ट फूड ड्रिवन कंट्री है तो वहां पे क्या आयुर्वेद के लोग आर यू ट्रीटिंग ओनली इंडियंस जो इंडियन डायस्पोरा जो है अमेरिका में या इवन अमेरिकन सिटीजंस देयर नहीं नहीं बहुत इंडियन एंड अमेरिकन बट मैं आपको बताऊं आज की तारीख में वो लोग में जितना अवेयरनेस आ रहा है ना उतना हमारे में नहीं आ रहा है हमारा ही साइंस है जो हम इग्नोर कर रहे हैं आपको बिलीव नहीं होगा मैं इतने सारे टॉक्स करती हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड तो मैं जब आउट ऑफ इंडिया भी टॉक करती हूँ तभी मेरे इंडियन ग्रुप में मैं जब पूछती हूँ वॉट इज आयुर्वेदा कितने लोगों को पता है अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक टॉक किया था बिलीव में किसी ने भी हा, हाथ ऊपर नहीं किया उनको नहीं पता था आयुर्वेद क्या है पर जब वही मैं वेस्टर्न लोगों के साथ करती हूँ लॉस वेगस में मैंने एक टॉक किया था वहां सारे के सारे आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे थे और आयुर्वेदिक कॉलेजेस वहां पे खुल रही है जहाँ पे लोग स्टूडेंट वहां आयुर्वेद सीखने जा रहे हैं मतलब हमारा ही साइंस है जो हमें अभी फॉरेनर्स से सीखना पड़ेगा ऐसा हो गया तो एक है एक चीज ऐसा है जब तक हमारी बात हमको कोई वेस्टर्न पर्सन आके नहीं बताता हमें उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा जो अवेयरनेस है वो बाहर जा रहा है और बाहर का कल्चर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं so, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा अभी अवेयरनेस आयुर्वेद का शुरू हो गया है एंड मतलब जंक फूड वाले लोग भी है ऐसा नहीं कि नहीं है जंक फूड वाले तो बहुत है बट वहां पे वो लोग जो खाते हैं ना उनको पचाने की बारे में भी पता है वो लोग जिम जाके या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं इसलिए मैंने खुद देखा कि वो लोग इतना जंक फूड खाते हैं फिर भी मैं जब उनकी नाड़ी देखती थी या उनका हिस्ट्री देखती थी तो डायबिटीज नहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं है उनको और जब मैं पूछती थी कि आपको कैसे ये सब नहीं है तो बोलते हम लोग लो रोज जिम जाते हैं आधा घंटा जिम करते हैं या योगा करते योगा तो हमारे से ज्यादा वहां पे करते हैं आपको कम से कम पांच पांच ब्लॉक में विक्रम योगा ये हॉट योगा वो योगा डॉग योगा कैट योगा प्रेगनेंसी योगा सब योगा क्लासेस दिखेंगे

कि जब तक कोई एक बाहर के व्यक्ति आके हमारा ही साइंस उनके तरीके से नहीं बताते हैं तो तब तक हम हम लोग इम्प्रूव नहीं होते हैं या इम्प्रेस नहीं, नहीं होते हैं। नहीं। हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो ये ठीक है रोज रोज हम लोग ऐसी बातें होती है हमको मिलता है सो दिस इज एग्जैक्टली वो इडेज तो आपके मतलब आपके जो ट्रैवल का एक शेड्यूल हम लोग देखते हैं यू ट्रैवल इन यूरोपियन कंट्रीज आप जाते हैं मिडल ईस्ट में मिडल ईस्ट में अगेन फास्ट फूड यू नो जंक फूड ड्रिवन कंट्री है काफी वेट uh, मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं देन यू मूव टू ईस्ट अफ्रीका जहाँ पे तंजानिया है दार सलाम है ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं बीन टू स्विट्जरलैंड लेबनान तो आपको एक ग्लोबली क्या ट्रेंड दिखाई देता है लोगों में एंड इंडियन इंडियन लोगों में इन टर्म्स ऑफ देयर फूड हैबिट्स एंड डाइट यस बेसिकली जब वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे लोग जाते हैं ना तो उनके अंदर थोड़ा एक प्रकार का इनसिक्योरिटी रहता है दे फील रियली वेरी इनसिक्योर क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है जॉब अलग है वहाँ का खाना अलग है वहाँ का कल्चर अलग है और प्लस वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जब मैं मेनली जब यंगस्टर्स uh, को वहां पे देखती हूँ तो उनको मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड डायबिटीज या मेमोरी प्रॉब्लम या स्ट्रेस का बेसिकली सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम होता है और उसका मेन कारण यह है कि वो लोग दूसरी कंट्री में है और उनको दो कल्चर के साथ उनको चलना है अपना इंडियन कल्चर भी उनको संभालना है प्लस वहां का भी कल्चर तो दोनों में बहुत हो जाते हैं वो लोग और उस वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनको आना शुरू हो जाते हैं और प्लस वहां का डाइट भी वो लोग लो लो एडोप करने लगते हैं और अपना भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते हैं तो वो सब कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें गड़बड़ा जाते हैं वो ग्रेट सो 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 वाई आयुर्वेद अगर मैं आपको पूछू की आज जितने भी यहाँ पे वेबिनार है इंडिया के बाहर के देशों से भी इस वेबिनार को जो अटेंड कर रहे हैं सो इफ यू टू गिव लॉजिकल रीजन की आयुर्वेद को क्यों हमको आजमाना चाहिए एंड हाउ इट इज मोर रिलेवेंट देन एनी अदर टाइम आफ्टर कोविड नाइनटीन यू नो ये जो टाइम है जो अभी भी कोविड uh, नाइनटीन का पूरा कतरा जो पूरा ढला नहीं है अभी भी यू you नो know, इंडिया में भी अभी ट्वेंटी थाउजेंड प्लस दिन में आ रहे हैं वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल लाइफ इवन टुडे लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी एक लापरवाही है एंड देन वी आर नॉट वेरी उसके साथ साथ आपको इंटेग्रेटेड मेडिसिन का अप्रोच करना चाहिए सी आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अ साइंस इट्स अ वे ऑफ लाइफ यानी हम बचपन से देखते हैं हमारे नाना नानी दादा दादी वो लोग जो जिस प्रकार से खा पीते खाते थे पीते थे उनको कभी भी अपने सुना नहीं होगा उनको हार्ट ब्लॉक हो गया या उनको हैवी डायबिटीज हो गया या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया या हार्ट अटैक से मर गए वो लोग अपना नेचुरल जो भी लाइफ स्पैन है उतना कंप्लीट करके नेचुरल एजिंग से उनका वो एक्सपायर होते थे तो बिकॉज दे वर फॉलोइंग आयुर्वेदा एज ए लाइफ स्टाइल वो लोग सुबह उठने से रात को सोने तक आयुर्वेद को ही फॉलो करते थे गाय का घी खाते थे दूध पीते थे एक्सरसाइज करते थे हल्का खाना खाते थे वो लोग जंक फूड नहीं खाते थे तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप हो सके उतना आयुर्वेद को अपनाइए आप खुद नहीं नए जनरेशन को सिखाइए मतलब जैसे आपके बच्चों को अगर आप सिखाना शुरू करेंगे बचपन से जैसे हम हल्दी वाला दूध देते हैं सर्दी खांसी हुआ या बुखार हुआ या गला खराब हुआ तो हम हल्दी का दूध देते हैं वैसे ही हम जैसे खाने में गाय का घी देते हैं अगर वीकनेस आया या कोई प्रॉब्लम हुआ और आयुर्वेद में हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल डेली एक चम्मच रात को लो अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो ये सब चीजें हमको हमारे बच्चों को भी सिखानी है ए वे ऑफ लाइफ करके अपने को उसको सब सिखाना है और जब हम बचपन से ही सबको सिखाने लगेंगे ट्रेन करने लगेंगे हमारे खुद के साइंस के बारे में तो आयुर्वेद घर घर में आएगा मेरा एक विजन है कि आयुर्वेद जो है वो घर घर में आना चाहिए और आयुर्वेद जो है यही एक ऐसा साइंस है जो पांच हजार साल पुराना है सबसे ओल्डेस्ट साइंस इज आयुर्वेदा और इसमें जो भी मतलब वर्णन किया गया आयुर्वेद में सिर्फ मतलब कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए तो बताया ही है जैसे वेस्टर्न मेडिसिन में हम बताते हैं कि कोई भी बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए बट आयुर्वेदा टॉक्स बियॉन्ड दैट आयुर्वेदा बोलता है कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो अगर आपके मम्मी पापा को या किसी को घर में डायबिटीज या आर्थराइटिस या ब्लड प्रेशर या अस्थमा है तो आप अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये मेन सूत्र आयुर्वेदा बिलीव करता है इसलिए आई ऑलवेज बिलीव के अगर आप एलोपैथिक लेते हो तो आपको इनिशियली बंद करने की जरूरत नहीं है मेरे सारे क्लाइंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि आपको एलोपैथिक शुरुआत में स्टार्ट रखने है आधा घंटा मेरी दवाई के साथ गैप रखना है धीरे-धीरे धीरे जैसे-जैसे आपके रिपोर्ट बेटर होते जाते हैं वैसे-वैसे आपको केमिकल्स जो है वो रिड्यूस करते-करते-करते आयुर्वेद लेना है और जब आप कंप्लीटली हील हो जाते हो तो आपको आयुर्वेद भी लाइफ लॉन्ग नहीं लेना है वो भी आप धीरे-धीरे कम करके बंद कर सकते हो डेफिनेटली थैंक यू थैंक यू सो मच तो आज ये जो वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया है SHPL के सुपर सैटरडे के दिन एंड SHPL स्टैंड्स फॉर शियल ऑफिसर है एंड डायरेक्टर मिस्टर सुभाष साहू एंड वी हैव आवर चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर एंड द डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत कुंडू ये सभी लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस का मिशन को लेके सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड पूरे भारत वर्ष पर हमारे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को देते हैं और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा इट्स नॉट जस्ट इनफ टू यू नो सेल द सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स को बेचना बट उसके साथ साथ भी आपको आयुर्वेद की फंडामेंटल लेवल में नॉलेज रहेगी उस ये प्रोडक्ट कौन से हर्ब्स किस यू यूनो you know, बीमारी में या कंडीशंस में आपको सपोर्ट करते हैं ये अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आपके डिस्पेंशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स जो है या जो प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड करना चाहते हैं वो डेफिनेटली बहुत बेहतर रहेगा तो इसके लिए आपके पास डेफिनेटली हम लोग हर महीना एक ऐसे एक्सपर्ट को लेके आएंगे हु एक्चुअली एक्सप्लेन टू अस कि इस साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है इसका रिलेवेंस क्या है एंड आज यहाँ पर डॉक्टर सुमिता प्रजापति ने आके हमारे कोई सारे सवालों जवाब दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑफ़ कोर्स वी वुड नाउ ओपन ओपन योर सेशन फॉर सम क्वेश्चंस तो यहाँ पे अगर जो भी हैं जो पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन डॉक्टर सुमिता प्रजापति हमारे साथ ही हैं आगे भी हमारे लिए वो वेबिनार्स करेंगे ट्रेनिंग करेंगे जब भी मैं मैंने उन्होंने Uh, उनको मैंने पूछा है तो शीज मेन ऑलवेज रेडी क्योंकि उनके भी एक ऐसा उनका कदम है जिससे कि वो आके एस के लोगों के साथ वेलोसिटी जेनेटिक्स के लोगों के साथ वो अपना शेयर uh, uh, करते हैं नॉलेज सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमिता आपको आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग करते हुए किस तरीके से

तीनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं शुरुआत में आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना वो वेट लॉस उनका बहुत ज्यादा हो जाता है जब शुरू शुरू में डायबिटीज होता है तो उनका वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है उनका मसल लॉस ज्यादा हो जाता है तो आयुर्वेद कहता है जब शुरू शुरू में डायबिटीज हुआ रहता है यानी एक दो साल पुराना ही डायबिटीज होता है वो अगर आयुर्वेदिक दवाई या आयुर्वेदिक लाइफ वगैरह फॉलो करेगा तो वो कंप्लीटली ठीक हो सकता है अगर वही डा, डायबिटीज थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो डायबिटीज के अंदर क्या होता है बॉडी में हीट बढ़ने लगती है और ये जो पित्तज प्रकार का डायबिटीज है वो जो होता है वो कष्ट साध्य है यानी बहुत तकलीफ से उसको आप ठीक कर सकते हो यानी सिर्फ दवाई लेकर और डाइट करके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो वो ठीक नहीं होता है और तीसरे प्रकार का जो डायबिटीज जो बहुत क्रॉनिक हुआ डायबिटीज होता है उसको आप सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हो दवाई लेकर लाइफ लॉन्ग उसको कम्प्लीट क्योर नहीं कर सकते हो तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डायबिटीज में आते हैं और उनको हम जब दवाइयां मैं देती हूँ और डाइट बताती हूँ जड़ मूल से उनका ठीक हो जाता है मतलब उनको आगे जाके कभी भी शुगर का प्रॉब्लम नहीं आता है अगर वो प्रॉपरली वही डाइट फॉलो करते रहे बहुत ज्यादा खराब मतलब डाइट नहीं करे तो उनका वो डायबिटीज जड़ मूल से ठीक होता है बट अगर वो डायबिटीज क्रॉनिक है या वो बहुत ज्यादा दवाइयां या इंसुलिन लेते हैं तो उसके साथ आधा घंटा गैप रख के अगर अपनी दवाइयाँ ली जाए तो धीरे 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 उनका इंसुलिन कम होने लगता है या बंद भी बहुत लोगों का हो जाता है और दवाइयाँ भी धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाती है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो लोग लो लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं जिससे कि उनको डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे डायबिटिक रेटाइनोपैथी या न्यूरोपैथी ये सब चीजों से हम उनको आ, मतलब आ, आ, बेटर कर सकते हैं या दूर रख सकते हैं

तो ऑफकोर्स uh, ये क्वेश्चन जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग की वेबिनार जो चलेंगे मंडे टू फ्राइडे तो उसमें हम लोग डेफिनेटली आंसर करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकिन एक सवाल मैं बहुत सारे uh, महिलाओं ने यहाँ पर पूछा है एंड दैट इज लेटली जो पीसीओएस इज बिकमिंग लाइक अ बिग प्रॉब्लम यू नो स्पेशली जो ग्रोइंग यू नो गर्ल्स हैं और उनका जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है जो मेंस्ट्रुअल इरेग्युलेरिटी होता है How Ayurvedic helps in PCOS and menstrual related problems? It's really very shocking. incident share patient अपनी बेटी को लेकर और आप बिलीव नहीं करोगे उनकी जो बेटी थी वो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती है एनशी गॉट हर पीरियड विच इज सो मच शॉकिंग फॉर मी जब मैं प्रैक्टिस करती थी आज से मतलब पढ़ाई करती थी 25 साल पहले तब कभी भी इस प्रकार के पेशेंट हमारे पास नहीं आते थे अर्ली मेनआर को उसको बोलते हैं बट आज की तारीख में छोटी छोटी लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो गया है वेरी अर्ली मैनआर और उसका मेन रीजन है कि हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं Absolutely. मैंने जब उनको पूछा कि आपकी बेटी क्या खाती है तो बोली हफ्ते में दो बार हमको मैकडोनाल्ड जाना होता है एक बार बर्गर मंगाते एक बार पिज्जा मंगाते है और उसका वजन बढ़ते ही जा रहा है डॉक्टर इसका वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा है और पूरा दिन फोन पे गेम्स खेलती है वो तो आप सोचो हम कहा जा रहे हैं मतलब आयुर्वेदा कहता है कि हमारा जो डाइट है और जो लाइफ है वही रूट कॉज होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिगाड़ने के लिए तो अगर छोटी छोटी बच्चियों को ही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिगाड़ देंगे तो आगे फर्टिलिटी के कितने इश्यूज आएंगे पहले इतना इनफर्टिलिटी के इश्यूज नहीं होते थे एब्सोल्युटली बट आजकल इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग डाइट एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल सब हार्मोन्स में बहुत गड़बड़ हो रही है और पॉलिसिस्टिक ओवरी यू वोन्ट बिलीव इतने केसेस आते हैं कि पूछ आप इमेजिन नहीं कर सकते हो इतने केसेस बढ़ गए so, so आयुर्वेद में ना केवल यू कैन जस्ट टेक हर्ब्स

और प्रोडक्ट्स के नॉलेज लेना चाहते हैं वैसे लोग हैं बाकी ऑफकोर्स हम थोड़ा सा शाम को जाग जाते हैं जो बिजनेस वेबिनार्स हैं बट यस yes, ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जितने भी आई uh, हैं एस एच पी के एस एच के या वेलोसिटी जेनेटिक्स के ध्यान में रखिएगा इट्स नॉट जस्ट इनफ टू सेल द प्रोडक्ट्स बट वो प्रोडक्ट के पीछे का साइंस पता करना टू बिकम अ प्रोफेशनल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द रीजन Uh, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो या हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी में हो uh, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा प्राधान्यता जा, दी जाती है बिकॉज अनलेस यू लर्न यू विल नॉट बी एबल टू अर्न एंड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल युवराज सेगल हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सी हमारे कोर्स के स्टूडेंट भी हैं

प्लस मेरे यूट्यूब चैनल है उसपे बहुत सारे विडियोज मैंने किए हुए हैं आयुर्वेद के ऊपर तो वो सब आप देख सकते हो ऑनलाइन तो बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में है आप काफी सारा स्टडी कर सकते हो और शुरू कर सकते हो अपने लाइफ लाइफ के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना और आपके बच्चों को भी वो सिखा सकते हो घर में भी जैसे मैं तो बोलती हूँ जो गृहिणी होती है वही आधी डॉक्टर होती है तो अगर हमारी हाउस वाइफ्स अगर सीख ले कि घर में वायु प्रकृति का कोई इंसान है जिसको आर्थराइटिस है तो उसको किस प्रकार का स्पाइसेस खाने में देना है अगर पित्त प्रकृति है जिनको एसिडिटी है या स्किन डिजीज है या एक्जिमा है सोराइसिस है उनको जीरा धनिया सौफ ये ज्यादा खाने में दो अगर आर्थराइटिस वाला है तो उनको सूट है अजवाइन है नाचनी की रोटी है ये खाने में ज्यादा दो अगर कोई वेट बहुत ज्यादा है किसी का जिसका वजन बहुत ज्यादा है या कोलेस्ट्रोल है डायबिटीज है तो उसको गेहूं बंद कराओ मूंग ज्यादा खिलाओ ये सब छोटी छोटी बातें भी अगर हम सीख लेते आयुर्वेद से

वो सवाल लोग का सबका जवाब दे देंगे तो आई थिंक कल सुबह नौ बजे तक चलेगा उतने क्वेश्चंस आए हुए हैं पर एक क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में ये बहुत कॉन्फिडेंटली uh, बताते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इज इट ट्रूथ और इज इट और इफ इट्स इट इज वाइड इफ यू सी इट इज नॉट ट्रू बिकॉज आयुर्वेदा बिलीव इन प्रकृति अगर आपकी वायु की प्रकृति है या पित्त की प्रकृति है या कफ की प्रकृति वो देखकर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो देन देर इज नो साइड इफेक्ट बट अगर आप पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसको आप बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां दे देते हो गर्म मतलब आयुर्वेद में बोलते हैं हम रस वीरय और विपाक तो एक वनस्पति जो होती है उसका रस अलग होता है वीर्य अलग होता है और विपाक अलग होता है अगर वीर उष्ण वीर्य यानी दो प्रकार का वीर्य होता है उष्ण और शीत गर्म और ठंडा अगर कोई पित्त प्रकृति वाला है उसको अपने उष्ण वीर की औषधियां बहुत ज्यादा दे दी तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम बढ़ाएगा उनको अल्सर का तकलीफ हो जाएगा

तो कुछ मिठाई भी खा लेंगे तो वो जहर हो जाता है सेम वे ऑफ इन एक्सेस इज डेफिनेटली एनीस इजलीपल प्रोडक्ट्स डोन्ट है साइड इफेक्ट सो आई थिंक इट्सर क्वेश्चन सो बहुत सारे बीमारियों के नाम आए हैं कई कई बीमारियों का मैं नाम भी नहीं पढ़ सकता हूं वेरी कॉम्प्लीकेटेड बट लोगों को uh, uh,

जिसके माध्यम से इस वेबिनार का सुपर सैटरडे का आयोजन किया है सो so, ये हम लोग करते हैं एवरी सैटरडे बिटवीन एट एंड नाइन ओ क्लॉक लेकिन मंडे से लेके फ्राइडे तक एवरी डे ऑन वेरियस टॉपिक्स हम लोग प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग करते हैं बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ओपिनियन है कि uh, कि आपको तो एट ओ क्लॉक आके हमको प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझाना चाहिए डेफिनेटली वो भी हम लोग प्रयास करेंगे ऑफ कोर्स नाउ शी हैज अ स्मॉल बेबी टू हैंडल एट एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग तो सो मंथ सो यस एक सवाल है जो लोग पूछते हैं कि प्रकृति अगर ये पता तो चल गई तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये दवा यूज कर सकते हैं या सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं या इस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं लेकिन प्रकृति को पता कैसे करें क्या आपको पल्स रीडिंग करके ही पता करना पड़ेगा कि लोग अपने आप में भी प्रकृति को पता कर सकते हैं इधर आप पल्स रीडिंग कर सकते हो या सिम्टोमेटिकली आप किसी वैद्य को अपना बता के भी मालूम कर सकते हो या आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है आप अपनी प्रकृति जान सकते हो बट वो हंड्रेड परसेंट मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि वो एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं होता है उसपे गुड वैद्य एंड टॉक टू वैद्य एंड देन फाइंड आउट योर प्रकृति गुड सो

उसमें यू आर ऑल्सो नॉट ओनली कंसल्टिंग योर कस्टमर्स एंड पेशेंट्स बट यू आर ऑल्सो एजुकेटिंग इस वेबिनार में आए और यहाँ पे जितने भी लोगों के लिए आपने अपनी आयुर्वेद के बारे में आपने जो काम किया उसके बारे में आपने जिक्र किया ऑल ओवर द वर्ल्ड आयुर्वेद कितना पॉपुलर हो रहा है और हम लोग इंडिया के लोग थोड़ा सा इसके इसमें थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं ये बता दिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो ये सुपर सैटरडे का एक स्पेशल वेबिनार था डॉक्टर सुमिता प्रजापति के लिए डॉक्टर सुमिता प्रजापति के साथ शी इज अ ग्लोबल आयुर्वेदा एक्सपर्ट वेरी प्राउड इंडियन सो आप हम सभी लोग उनको मैं बॉक्स अभी ओपन कर रहा हूं तो यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट हर उन्होंने इतना टाइम दे दिया तो आप अपना अप्रिसिएशन एक्नोलेजमेंट को दे सकते हैं थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आए और आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड किया इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में मिल जाएगा सो so विद